आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अंकुरित गेहूं विटामिन मिनरल फाइबर फोलेट आदि का बहुत बड़ा खजाना होता है। ये आपके त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसे खाने से किडनी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र को मजबूती मिलती है, साथ ही रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद मिलती है। अंकुरित गेहूं के सेवन से शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। इससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और रक्त शुद्ध हो जाता है। जिन लोगों को हर वक्त पाचन संबंधी समस्या रहती है उनके लिए अंकुरित गेहूं अच्छा रहता है, क्योंकि ये फाइबर से भरा होता है। ये अनाज पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। दोस्तों इसके खाने से शरीर को फाइबर मिलता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा लगता है। अगर आपको वजन घटाना है तो रोजाना आप अंकुरित गेहूं का सेवन कीजिए। दोस्तों अब सबसे पहले ये जानिए कि इसको खाने का बेहतरीन समय कौन सा है। इसे ब्रेकफास्ट के समय खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे सुबह खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। सलाह दी जाती है कि इसे 100 ग्राम से ज़्यादा आप ना खाएं। कैसे अंकुरित करने हैं गेहूं जरा देख लीजिए। गेहूं को साफ करके 6 से 12 घंटों के लिए साफ पानी में भिगो दीजिए। फिर गेहूं को एक साफ सूती कपड़े में बांध कर रख दें। जब गेहूं अंकुरित होने लगे तब इसका मन चाहे तरीके से सेवन करें। अब इसका विस्तार से फायदे देख लीजिए। सबसे पहले ये कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को बहुत राहत देता है। सुस्त बॉबेल मूवमेंट आपके दिन को ख़राब कर सकता है। आमतौर पर ऐसा डाइट में फाइबर की कमी के कारण होता है, जहां भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए भोजन में गेहूं की चोकर मिलाई जाती है। वहीं गेहूं का अंकुर या वीट जर्म भी समान रूप से फायदेमंद होता है। इसका फाइबर प्रोफाइल काफ़ी प्रभावशाली होता है और इसलिए यह आपके आहार में फाइबर की मात्रा को बढ़ाता है और आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है। दोस्तों ये प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली या इम्यूनिटी पर फाइबर युक्त आहार के प्रभाव के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एक दोस्त फाइबर पेट से हानिकारक रोगाणुओं को बाहर करने में मदद करता है और अच्छे बैक्टीरियाज के प्रसार में मदद करता है। इसलिए वीट जर्म जैसे फाइबर से भरपूर भोजन आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों ये ब्लड शुगर को कम करता है। अगर मधुमेह या डायबिटीज के मरीज इससे खाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बीट जर्म में डाइट्री फाइबर की एक अच्छी मात्रा होती है। ये भोजन के बाद या पोस्टप्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज की प्रक्रिया को कम करने में मदद कर सकता है। अपने आहार में साबुत अनाज शामिल करने से आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों गेहूं दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। गेहूं के रोगाणु हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमेशा से बेहतर हार्ट हेल्थ के लिए साबुत अनाज खाने की सलाह दी है। अपने शानदार न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के साथ वीट जर्म आपके दिल को स्वस्थ रखने और कोरोनरी हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।